हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अंडे का सालन बनाना सिखाऊंगी आज। अब बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाला है। देखिए, इसमें एक प्याज ले लिया है। ये एक प्याज बड़ी साइज की, तकरीबन 250 ग्राम होगा उसका वजन। उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। ये एक टोमेटो है, तकरीबन उसी साइज का टोमेटो है, इसको मैंने पीस लिया है। इसके अंदर 3 से 4 पंखुड़ियां लहसुन डाली है। ये 2 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर है। ये नमक है, ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, ये 1/2 टीस्पून जितना आपने चाहिए स्वाद अनुसार, हल्दी है और ये जीरा है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए हैं, तकरीबन 8 अंडे मैंने लिए हैं। बहुत जल्दी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल ले लिया है अपने कढ़ाई में। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। ये जीरा डाल दिया, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यार प्याज इसमें डाल दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी प्याज हो चुकी है। ज़्यादा हमें नहीं करना है उसे लाल, बस इस तरह से कर दिया। अब मैं इसमें ये जो चीज़ें हैं ये इसमें डाल दूंगी। बहुत झटपट बनेगी ये देखिए। अब इसको थोड़ा भूनने के बाद अच्छे से हो चुका है, ये मसाला हो चुका है मेरा। फ्रेंड्स, कलर के लिए आप कश्मीरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने टोमेटो डाल दिया है। अब मैं ये टोमेटो को अच्छे से भून लूँगी पहले, और इसमें हमें दही भी डालना है, ठीक है। ये टोमेटो में आपको पता है इसमें क्या है, लहसुन मैंने डाला है, सिर्फ लहसुन। आप अदरक भी साथ में डाल सकते हैं। खास बात आपने देखी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसमें लहसुन यूज़ किया है, क्योंकि एक अलग सा मज़ा होना चाहिए आपको। तो आप जब टोमेटो पीसे थे, इसमें आप हरा धनिया थोड़ा सा और थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा लहसुन ये डालकर भी पी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है अपनी ये डिश। किए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए, मेरे गलतियों को बताइए कि मैं उसे सुधारूं, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।